सो हेलो गाइस, आज आप लोग आ चुके हैं मेरे एक न्यू वीडियो पे। सो गाइस, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आयरन फार्म। सो गाइस, इसमें आप लोग को ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेंगे और आप लोग आसानी से बना पाएंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले आप लोगों को 5x5 का होल कर लेना है। सो गाइस, मैंने 5 ब्लॉक टिक कर दिया, फिर इधर से भी 5 ब्लॉक टिक कर देना है, फिर गाइस इधर से भी चारों तरफ से आपको 4x4 को मतलब 5x5 को टिक कर देना है गाइस। उसके बाद इसमें आप लोग को नीचे करना है 9 ब्लॉक डाउन। सो गाइस, 9 ब्लॉक टिक करना आपको, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो गाइस, और फिर आप लोग यहां से 5x5 का बना के फिर अंदर खाली कर दीजिएगा पूरा। सो गाइस, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। गाइस, मैंने खोद लिया है पूरा। अब मैं जहाँ जहाँ मुझे मतलब कि ब्लॉक जहाँ जहाँ टूट गया वहाँ वहाँ मैं लगा देता हूँ ब्लॉक। सो गाइस, फिर आपको इसका सेंटर पे एक कोई ब्लॉक लगाना है जिससे आपको पता रहे ये इसका सेंटर है। सो गाइस, फिर आपको क्या करना है, 20 बेड्स लेना है। 20 बेड ले लीजिएगा गाइस। फिर आपको 10 ब्लॉक, 5 हो गया, 5 बेड लगेगा इधर और 5 बेड इधर, और फिर आपको नीचे लगाना है 5 बेड। सो गाइस, देख लीजिए कैसे लगेगा। सो गाइस, अब आप लोग को यही दूसरे तरफ 5 बेड लगा देना है जिससे टोटल 20 बेड्स हो जाएंगे। ठीक है गाइस। सो गाइस, बेड लगने जाने के बाद आप लोग को एक ब्लॉक ऊपर करके आपको पूरा मतलब कि पैक कर देना है ऊपर से। सो गाइस, फिर आपको पहले पैक कर लेता हूँ गाइस मैं। गाइस, अब मैं पैक कर चुका हूँ। आप लोग को चाहिए होगा फ्लेचिंग टेबल। सो गाइस, फ्लेचिंग टेबल लेने के बाद आप लोग को 20 फ्लेचिंग टेबल ले लेना है और कहूँ भी इसी के मतलब कि एक ही ब्लॉक के पास लगा देना है गाइस ऐसे ही। सो गाइस, आप लोग जब लगा लीजिएगा उसके बाद का प्रोसेस देखिए। सो गाइस, 20 फ्लेचिंग टेबल लगा लेने के बाद आपको 2 विलेजर चाहिए होगा। 2 विलेजर आप लोग ले लीजिएगा गाइस और उसको ब्रीड करवा के आप लोग 20 विलेजर कम से कम कर लीजिएगा। और इसमें आपको मतलब कि एक बात का ध्यान रखना है गाइस, इसमें बच्चा नहीं रहना चाहिए इस वाले में। और इसमें एक और ग्रीन कलर का जो रहता है, ग्रीन कोट पहना रहता है जो विलेजर, वो भी नहीं रहना चाहिए। और 20 विलेजर आप लोग इसके अंदर रख लीजिएगा गाइस। देख लीजिए गाइस पहले।
गाइस देखिए यहाँ पे ग्रीन कोट वाला आ चुका है, मैं इसे मार देता हूँ। सो गाइस में ये वाला ग्रीन कोट वाले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग का स्पॉन नहीं कर देंगे, स्पॉन नहीं करने देंगे विलेजर को, मतलब कि आयरन गोलम को। सो गाइस 20 विलेजर होने वाला है। सो गाइस बच्चा फिर से आ गया, मैं इसे फिर मार देता हूँ। सो गाइस ये हो गया, 20 विलेजर हो गया। सो गाइस आपके इसके ब्लॉक इसके ऊपर आप इसको भी पैक कर देना है गाइस। जैसे ही आप लोग कैप पैक कीजिए गाइस, आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा आयरन गोलम स्पॉन होना। सो गाइस देखिए स्पॉन होना स्टार्ट भी हो चुका है। सो इसके लिए आप लोग को अब पहले पैक कर लेता हूँ गाइस विलेजर को। सो गाइस आप लोग को अब पानी मतलब कि वाटर बकेट और लावा चाहिए और साइन बोर्ड। सो गाइस देखते रहिए। सो गाइस फिर आपको किसी कॉर्नर में जाना है और वहां पे ऐसे ही एकदम साइन बोर्ड लगा लेना है गाइस। देखते रहिए कैसे साइन बोर्ड लगाता हूँ मैं। सो गाइस मुझे ये परेशान कर रहा है। सो गाइस ऐसे लगा लेना, एक कॉर्ड ऐसे लगा लेना। सो गाइस ये हो चुका है। सो गाइस जैसे ही आप लोग ओ गाइस ये गलत हो गया, थोड़ा सही इधर आ गया। सो गाइस ऊपर एक और लगा दिया। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग आयरन गोलम ज़्यादा स्पॉन होना स्टार्ट हो गया। सो गाइस आप लोग को उस दूसरे कॉर्नर में पानी लगा लेना, जिससे वो आयरन गोलम सब लावा में जल के मतलब उनका आयरन हमें मिल जाएगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग का आयरन आयरन फार्म वर्क कर रहे हैं। पहले मैं इसे पैक कर देता हूँ गाइस, जिससे आयरन गोलम उधर ना आ पाए। सो गाइस ये मुझे परेशान कर रहा है, मैं इसे पहले मार देता हूँ। सो गाइस आप लोग को पहले पैक कर लेना है। सो गाइस आप लोग को फिर नीचे जाना है और दो ब्लॉक उधर टिक करना है, और आप लोग को फिर चेस्ट चाहिए होगा गाइस। रुकिए गाइस मैं पहले चेस्ट ले लेता हूँ। फिर हॉपर भी चाहिए होगा गाइस, आपको हॉपर ले लीजिएगा। सो गाइस दो ब्लॉक गलत हो गया, दो चेस्ट उधर कर दीजिएगा गाइस, और फिर हॉपर इसे कनेक्ट कर दीजिएगा। सो गाइस आपका आयरन फार्म वर्क स्टार्ट मतलब बन चुका है। सो गाइस आप लोग को बस वाटर बकेट उस कॉर्नर में लगा देना है गाइस, आपका फिर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए गाइस स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस आप लोग अब देख सकते हैं ये आयरन गोलम यहाँ पे स्पॉन होगा और वो उस लावा में जाके और यहाँ पे मैटिक डाउन कर लेता है, जिससे हम लोग आयरन ले पाएंगे। सो गाइस मैं यहाँ एक सीढ़ी जैसा बना देता हूँ, जिससे हम लोग आराम से ले पाएंगे। सो गाइस देख सकते हैं आयरन आना स्टार्ट हो चुका है। गाइज तो कैसा लगा आपको मेरा फार्म आयरन फार्म? सो गाइज अगर आपको फार्म पसंद आया हो तो थैंक यू गाइज